जय हिंद साथियों, जय भारत, जय फूले। कैसे हैं आप सब लोग? जय फूले साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे। साथियों, आज लाइव आने का उद्देश्य बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द सभी क्रांतिकारी साथियों को जोड़ने का काम करें। उम्मीद करता हूं कि आप सारे भाई फटाक से जुड़ जाएंगे और एक बहुत बड़े विषय और उस विधानसभा दोहराव घेराव के दौरान आप सब लोगों का बहुत बड़ा जनसलाभ मिला। साथियों, हमने पहली बार जब कहा था कि हम आएंगे, बड़े जोश और जुनून के साथ आएंगे, पूरे उत्साह के साथ आएंगे, पूरी क्रांति के साथ आएंगे, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करके जाएंगे, ये हमने वादा किया था और उस वादे पे हम खरे उतरे। हमने किसी का भी नुकसान नहीं किया, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं किया। और तो और, मैंने बहुत सारी रैलियां देखी हैं, जब रैलियां होती है तो रोडों के पेड़ के पत्ते या पेड़ को उखाड़ दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है, लेकिन हमारी रैली में कहीं भी ऐसा एक पत्ते का नुकसान नहीं हुआ और इस रैली को बहुत बड़े तरीके से सहारा गया। लोगों ने बहुत सारी तारीफ भी की कि यार इतना बड़ा जनसैलाब आया और किसी का पत्ते का नुकसान भी नहीं हुआ। तब मेरा एक जवाब होता था कि यार हम तो किसानी वर्ग से आते हैं, किसान कौम के बच्चे हैं, तो हम किसी का नुकसान नहीं करने आए, हम तो पेड़ों को लगाने वाले लोग हैं, पेड़ों को उखाड़ने वाले लोग नहीं है जो हम किसी का नुकसान करने आएंगे। साथियों, इसी के बाद में हमारे भाइयों ने NH 21 को जाम किया अरोदा हाईवे पे और लगभग 6 दिन जाम रहा, उसके बाद में भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। उस बाद में हमने फिर एक बार आह्वान किया और पूरे जन सैलाब के साथ में 25 फरवरी को हम जयपुर कूच कर गए। फिर दोबारा आह्वान किया और 15 सितंबर को हल्ला बोल के साथ में हम सरकार को चेतावनी देकर आए कि हम कुछ लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही किया हमारे क्रांतिकारी साथी, झुके नहीं, ना रुके ना डरे, बल्कि उन्हें जेल में जाना मंजूर हुआ, लेकिन सरकारों को झुका कर वो कुछ ना कुछ लेकर गए। मैं इसके लिए उन क्रांतिकारी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरी ताकत के साथ में वो सरकारों से आज 5-5 मांगे उन्होंने मनवा दी। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे साथियों, लड़ाई जारी थी, इसी बीच में हमारे बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि AC वाले लोग आ गए। अब AC वालों ने कभी संघर्ष तो नहीं किया, लेकिन हम लोग भोले हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, हमने उनका भी स्वागत किया। लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप भाइयों से दिल और दिमाग से पूछना चाहता हूं, जब आपकी एक बहन को जिंदा जला दिया जाता है तब ये AC वाले लोग कहां चले जाते हैं? तब क्यों नहीं आते आपके बीच में, क्यों नहीं आते? और आप क्यों नहीं सवाल करते इनसे कि जब हमारी बहन को जिंदा जला दिया जाता है तब कोई नहीं आता, हमारी एक बहन का रेप कर दिया जाता है जो 11 साल की होती है, उसके लिए क्यों नहीं आते लोग आगे? हमारी एक बहन को सिरोही के अंदर उठा लिया जाता है तब क्यों नहीं आते ये AC वाले लोग? ऐसा क्या कारण है कि जब जब हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं तब तक ये लोग हमारे बीच में खड़े नहीं होते हैं और सारी गलतियां उठाकर CP सैनी पर डाल दी जाती है कि CP सैनी ऐसा है, CP सैनी वैसा है।
मुझे मेरे लिए तो क्या क्या आरोप लगाते हैं आई डोंट नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, ना मैं किसी को गलत ठहरा रहा हूं। हो सकता है वो एसी में बैठकर हमारी बात कर रहे हो सकता है वो हमारी बातें आगे तक पहुंचा रहे हो, लेकिन बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ता है ये बात कि हमने 20 जुलाई को ज्ञापन दिया, सरकार को कहा कि हमारी कुछ मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी मांगे हैं, जो और लोगों को मिला वो हमें मिलना चाहिए। हमने तो ये कहा कि सबको मिलना चाहिए, जिस प्रकार हमारा मातम फुले बोर्ड बना उसके बाद में सारे बोर्ड बने, हमें मिला तो सबको मिला। तो आज सर्व समाज हमारे साथ खड़ा है और सर्व समाज के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज फिर वो लोग हमें बांटने के लिए आ गए। जब भी हम आंदोलन करते हैं तब पता नहीं कौन कहां से एक सिस्टम लेके आता है। पिछली जब हम मल्ला बोल रैली करके लेकर आए थे, तब कुछ लोगों ने एक नया सिस्टम लेके आए थे, वो एक जाजम वाला कि एक जाजम करेंगे, एक जाजम करेंगे, एक जाजम करेंगे, फिर वो भी गायब हो गए। हमारा जब भी कोई आंदोलन होता है, मूवमेंट होता है, जब एक गरीब का बेटा, एक किसान वर्ग का बेटा, एक संघर्ष करते हुए गरीबों के हक के लिए, उन बेसहाराओं के मान सम्मान के लिए जब हम लड़ाई लड़ते हैं, तब वो सारे जाजम वाजम गायब हो जाते हैं या वो सारे लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे आज एक छोटा सा सवाल बड़ी विडंबना के साथ पूछना चाह रहा हूं। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य और दुख भी है, क्योंकि देखो हमारे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि हम अखबारों में आपका बोलते विज्ञापन दे दें कि साहब फलाना दिन हम मुख्यमंत्री हाउस जा रहे हैं या हम जयपुर में धरना दे रहे हैं, ऐसा सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई ना तो कुछ देता है, कोई लेने वाले तो बहुत आते हैं, हम तो जाते हैं, जब भी कोई किसी भाई के अन्याय होता तो हम तो जाके उसका सपोर्ट करके आते हैं, देने वाले तो क्योंकि करोड़पति लोग हैं, जो एसी वाले लोग हैं उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए बड़ी विडंबना की बात थी, हमारी चर्चा चल रही है, व्यवस्थाएं परिस्थिति के अनुसार चल रही है, कि आज जब भी अत्याचार होते हैं, जब भी हम पे जुल्म होते हैं, जब भी हमें सताया जाता है, तब ये एसी वाले लोग कहां चले जाते हैं, और जब जब हम हमारे हक और अधिकार मांगने आते हैं, तब तब ये लोग उसमें टांग जाने के लिए कहां से आ जाते हैं, ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया। ये आप भी सोचना पड़ेगा मेरे साथियों, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे गांव से जुड़े हुए हैं, वो एक ढाणी से जुड़े हुए हैं, जो उनके घर में न कोई कलेक्टर होगा न कोई एसपी होगा, क्योंकि मेरे घर में नहीं है तो तुम्हारे घर से कहां से होगा। मेरे साथियों, मैं आपको सिर्फ इतना सा समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तो ना कोई पीले चावल है तुम्हें बांटने के लिए, ना मेरे पास कोई बड़े बड़े होर्डिंग है तुम्हारे पास भिजवाने के लिए, ना मेरे पास में कोई प्रचार सामग्री है, मेरे पास में तो सिर्फ ये लाइव का मोबाइल है, और इस लाइव के माध्यम से ही आप हमेशा जब जब मैं बुलाता हूं, जब लोग आप सब लोग पहुंच जाते हो, और हजारों नहीं लाखों की तादाद में पहुंच जाते हो, यही मैंने मेरे जीवन में कमाया है, और यही आपका विश्वास मुझे मजबूती के साथ में काम करने का मौका दे रहा है। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपसे फिर बार बार कहना चाहता हूं कि आखिर हमने लाठियां क्यों खाई, हमें क्या जरूरत पड़ गई थी लाठियां खाने की, हमें कोई शौक नहीं है लाठियां खाने का, हमें हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डला के फूंकने का कोई शौक नहीं है, हमें ये मुकदमे खाने का शौक नहीं है, ना जेल जाने का शौक है, बस एक पीड़ा है, एक दर्द है एक दिल में कि आखिर जो हमारे गांव से आने वाले लोग हैं, हम गरीब किसान के बेटे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज बड़ी विडंबना की बात होती है कि अगर अभी कुछ समय पहले किसी और को मार दिया जाता है तो सारी सरकार वहां पहुंच जाती है और बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और तो और हमारे भी कुछ ऐसे में बैठे हुए लोग वो भी 5-5 लाख रुपए देके आते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख भी हुआ कि हमारी एक बहन को जब जिंदा जला दिया गया था तब कोई एक आदमी 10 रुपए देने वाला नहीं आया, जब हमारी एक छोटी सी बहन का रेप करके उसे मार दिया गया तब कोई एक आदमी नहीं आया, हमारी एक मात्र शक्ति को उसके दोनों पैर दोनों हाथ और गर्दन काट दी गई तब कोई एक आदमी क्यों नहीं आया।
आखिर ऐसी विडंबनाएं, ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं मेरे साथियों? ये सिर्फ और सिर्फ ये आपके सोचने की बातें हैं कि आखिर ऐसी विडंबनाएं क्यों हैं कि जब जब हम पे अत्याचार होते हैं, जब तब ये बड़े बड़े लोग हमारे लिए क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं आता एक विधायक आपके लिए? क्यों नहीं आता आपके लिए एक मंत्री? क्यों नहीं आता है आपके लिए एक सरकार? क्यों नहीं आता है? वो इसलिए नहीं आता है कि उनको सबको पता है कि ये लोग खुद के लिए कभी नहीं लड़ना चाहते, ये दूसरे के जयकारे लगाना चाहते हैं, ये दूसरों की दरिया बिछाना चाहते हैं, पार्टियों की दरिया बिछाना चाहते हैं, कप प्लेट उड़ाना चाहते हैं। कहेंगे कि भैया कौन सी पार्टी से टिकट लेके आओगे आप, कौन सी पार्टी से टिकट लेके आ रहे हो? अरे यार मेरे भाई, वो तो बात की बात है, पहले तुम खड़े तो हो उसके साथ में। मैं राजस्थान में बहुत सारी जगह से हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ पूरे जोर के शोर के साथ में खड़े हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं, आप आज जो हम हमारे हक और अधिकार मांग रहे हैं, हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आपका क्या योगदान है? कुछ भी नहीं। हमारा योगदान, आपका योगदान सिर्फ इतना सा है कि हम आपके जयकारे लगाते रहे, आपके वोट देते रहे, ऐसा नहीं चलेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा मेरे साथियों। ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरा आगे भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस आंदोलन में आइए, आंदोलन का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आंदोलन हमारे मान सम्मान का है, हम सबके मान सम्मान का है, हमारे सबका स्वाभिमान का मामला है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का मामला है, और ये जो हक और अधिकार हैं वो लेना पड़ेगा। और हमारे आंदोलन में कभी राजनीतिक नहीं होती है, हमारे आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों की बात होती है। मैं आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और जितने भी युवा साथी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट और बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास में जो सोशल मीडिया पे जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप्स हो, या और भी सिस्टम जो भी आप चलाते हैं, ट्विटर टेलीग्राम जो भी है, वहां पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हम 10 अगस्त को जयपुर कूच कर रहे हैं, और जयपुर इसलिए आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकारों के लिए आ रहे हैं। हम किसी के दरिया बिछाने नहीं आ रहे, हम किसी के जयकारे लगाने नहीं आ रहे, ना ही हम किसी के तलवे चाटने आ रहे हैं। हम आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे हक और अधिकारों के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। इसलिए यह बात विशेष ध्यान रखें कि जिस तरह हमने जब विधानसभा घेराव करके गए थे, उसी तरह हमें आना है। हमें यहां किसी के पत्ते का नुकसान भी नहीं करके जाना है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहे कि उन लोगों ने ये नुकसान करके गए, पूर्व में भी हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन निर्दयी सरकारों ने, निर्दयी प्रशासन ने हमें उकसाया, हमारे साथ अन्याय किया, हमारे साथ लाठीचार्ज किया, हमारे साथ सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन आज तक हम उब तक नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ क्यों नहीं कर रहे, वो वक्त की बात है, वो वक्त बताएगा कि हम चुप क्यों बैठे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, आज आप सभी लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा 10 अगस्त का प्रचार करें। आपके पास में ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहां भी है, जहां भी आपकी जो ताकत है, वहां तक लोगों तक मैसेज आप पहुंचाएंगे कि हमें जयपुर चलना है, और जयपुर ये आंदोलन हमें अहिंसात्मक करना है, गांधीवादी तरीके से करना है, शांति प्रिय से करना है। हमें यहां आकर बैठना है। जिस भाई के ये दिमाग में ख्याल हो कि मैं वहां जाके हुड़दंग करूंगा, तो उस भाई को मैं साफ शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि आपकी हमें यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने हक और अधिकारों के लिए आ रहे हैं। पिछली बार जो हमने गलतियां की हैं, जो पूर्व में हमने गलतियां की हैं, वो गलतियां हम कभी वापस नहीं दोहराना चाहते हैं। याद रखना, जो जो ताकत बैठने में होती है, वो ताकत किसी में नहीं होती है। लड़ झगड़ कर कुछ घंटों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब हम प्यार से, शांति से, अहिंसात्मक तरीके से बैठे रहेंगे, तो कोई भी ताकत नहीं है जो आपको उठा दे वहां से। कब, जब तक बैठे रहेंगे, जब तक सरकारें सुन नहीं लेती। इसलिए मेरे साथियों,
मैं आप सभी से बार बार अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए आपको जयपुर कूच करना है, उसकी तैयारियां चालू कर दें। 6 तारीख को हमारी एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के अंदर हम बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं और उन चर्चाओं के माध्यम से हम आगे का आपको प्रारूप बताएंगे, प्लान बताएंगे कि हमारा क्या और कैसे रहेगा। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि पूर्व के अंदर हमने जो 11 स्त्रीय मांगे हैं उनमें एक मांग और जुड़ी थी कि हमारे जितने भी भाइयों पे मुकदमे हैं वो सभी के सभी वापस लेने चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि पहली जब आरोजा के अंदर हमारा जाम लगा था तो पहली बार 1600 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए। पहली एफआईआर थी आरोजा के अंदर, उसमें 1600 लोगों के मुकदमे दर्ज हुए। दूसरी बार जब आरोजा के अंदर जाम लगा तो लगभग 400 से 500 लोगों के नाम दर्ज हुए। इन दोनों ही एफआईआर में मेरा नाम जरूर है। आप ये सोच रहे हो मेरा नाम नहीं है, तो मेरा नाम तो सबसे पहले ऊपर होता है। उसके बाद में जयपुर में जाम हुआ, 84 लोगों का नाम दर्ज है, हम जेल भी गए 84 लोग और अनेक प्रकार की कठिनाइयां भी सहन की। इसी के साथ साथ हमारे उदयपुर वाटी के क्रांतिकारी वीर योद्धाओं ने उदयपुर वाटी को जाम कर दिया और वहां पर लगभग 250 से 350 लोगों का नाम दर्ज, एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर दर्ज भी हम सरकार से वापस देना चाहते हैं। मेरे साथ इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इन एफआईआर दर्जों में सब में मेरा नाम तो है ही, लेकिन मैं आपको बता दूं उन लोगों का नाम नहीं है जो कहीं ना कहीं चाटुकार थे, कहीं ना कहीं दरिया बिछा रहे थे, कहीं ना कहीं आंदोलन को खत्म करने का काम करते, कहीं ना कहीं आप लोगों को गुमराह कर रहे थे। वो आपके बीच में थे, आपके बीच में बैठकर इस आंदोलन को कुचल रहे थे, वरना आरोदा का जाम कभी खत्म नहीं होता और आरोदा पे हम बैठे हुए थे, आरोदा पे हमारी जीत निश्चित थी, याद रखना साथियों। लेकिन कुछ गद्दार लोग हमारे ही आंदोलन में घुसकर कुछ तलवे चाटकर, कुछ अपनी सिर्फ और चंद पैसों की बात करें या चंद अधिकारों की बात करें, चंद चुपड़ी रोटी खाने की बात करें, वो लोग जिनकी वजह से आज उनका इन एफआईआरों में नाम नहीं है। मेरे साथियों एफआईआरों में नाम है उन क्रांतिकारियों के जो वो लोग वहां खड़े थे। इसलिए मेरे साथियों मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता कि वो कौन थे कौन नहीं थे, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप लोग इनसे भी सावधान रहिए, क्योंकि ये आंदोलन बड़ी मुश्किल से 10 साल के संघर्ष से शुरुआत हुई थी। ये 10 साल का संघर्ष करने के बाद में यहां तक पहुंचे हैं। आपके विश्वास को जीतने के लिए हमने 10 साल खपा दिए। आप ये सोचिए एक युवा के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज मैं एक युवा हूं और मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मेरी आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है, मेरे वर्तमान की जिम्मेदारी है, मेरे माता पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन इस उम्र के अंदर सारा काम छोड़ के मैं आपके बीच में खड़ा हूं और मुझे क्या मिला? आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। क्या आपको मेरे पे इतना विश्वास नहीं है कि जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं उनसे बात कर सके? मैं आपसे इतनी बार एक बार निवेदन और करना चाहूंगा, मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे साथियों ये आंदोलन आपके स्वयं का है, आप खुद का है। अगर आप इसको लगातार चालू रखोगे तो कहीं ना कुछ आपको हमेशा मिलता रहेगा। और तो और आप में से बहुत सारे लोग भी पूछेंगे कि आप जयपुर क्यों आते हो जी? अरे हम जयपुर इसलिए आते हैं, जिंदा होने का सबूत देते हैं, हम जिंदा हैं इस बात का सबूत देने के लिए आते हैं। मरे हुए आदमी तो शमशान में जाते हैं, हम जिंदा है इसलिए जयपुर में आगे खड़े होकर अपने आप को जिंदा होने का सबूत देते हैं कि हम जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए, सबको यहां भारत के संविधान के हिसाब से सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सर्व समाज को अधिकार मिलना चाहिए और उसके साथ साथ हमें भी मिलना चाहिए। यही हम बात करते हैं। इसलिए लोग जो पूछते ना कि बार बार जयपुर क्यों जाते हो, इसीलिए हम जयपुर में आते हैं साथियों। इसी के साथ मैं कुछ कहना भी चाहता हूं मेरे साथियों, पिछले 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं हमारे युवा साथी। मुझे पता है वो कैसे इन आंदोलनों को चला पाते हैं, कैसे हम लोग आपके गांव गांव ढाणे तक हम पहुंच पाते हैं। लेकिन मैं आपसे आज विशेष कहना चाहता हूं, आप आइए इस आंदोलन में सहभागिता निभाइए। ये आंदोलन आपका है, ये ऐसे में बैठे हुए लोगों का नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है
क्योंकि उनका बेटा जब सुबह उठकर जिम में जाता है तब 5,000 रुपए का तो एक जूस जूस पी जाता है, तो उसे क्या मतलब है? आखिर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गांव के लोग, हम गरीब किसान के बेटे, रात दिन खेती करने वाले लोग, हम मजदूर लोग, हमें जरूरत है इन चीजों की, उनको आवश्यकता नहीं है। आज मेरा बेटा भी जब जयपुर आएगा तो उसको रूम रहने के लिए रूम चाहिएगा, आपका बेटा आएगा तो उसको रहने के लिए हॉस्टल चाहिएगा, कहां से हम देंगे? बहुत सारे लड़कों के फोन आते हैं, सीपी भाई जयपुर में रहने की व्यवस्था कीजिए, रहने के लिए हॉस्टल कीजिए, कहां से व्यवस्थाएं होंगी? बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन आज महात्मा फुले बोर्ड बनाए, और मैं इसके लिए देखो सबसे पहले सभी क्रांतिकारियों का धन्यवाद करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा इस माध्यम से कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं दरिया दिल दिखाई, और हमारे सैनिक समाज के बोर्ड के साथ साथ में सर्व समाज के बोर्ड भी उन्होंने बनाए, मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हाँ, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आती है, वो हमारे सिरमौर हैं और सिरमौर रहेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग हमें ये भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हैं, बहुत भ्रमित करते हैं वो लोग। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, हम तो जयपुर आना ही नहीं चाहते, जयपुर आने के लिए हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और हमें यह भी पता नहीं रहता कि हम जेल में जाएंगे, मुकदमे खाएंगे, पता नहीं क्या स्थितियां होंगी, हमें यह भी पता नहीं होता। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी के करीब हो ना, तो आप हमारा सोल्यूशन करवाओ ना। अरे हम तो तैयार बैठे हैं सरकार से सोल्यूशन करने के लिए, अरे आप करवाओ तो सही। हमने आपको 20 तारीख को ज्ञापन पत्र दे दिया, 1 तारीख को चेतावनी पत्र दे दिया, तो करवाइए सॉल्यूशन, क्यों डरते हो आप तो खास आदमी हो ना। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, भ्रमित मत कीजिए हमें, हम भ्रमित होने वाले नहीं है, क्योंकि हम हमारे हक और अधिकारों के लिए आ रहे हैं, हमारे मान सम्मान के लिए आते हैं, स्वाभिमान के लिए आते हैं, बिकने के लिए नहीं आते, बेचने के लिए नहीं आते, या किसी की दरिया उठाने नहीं आते, हम हमारे खुद के लिए आते हैं। और जो भी आंदोलन में जो भी व्यक्ति आता है वो खुद के लिए आता है, यहां उसको पानी की व्यवस्था भी नहीं मिलती है। मुझे पता है कि जो भी जितने भी भाई लोग यहां आंदोलन में आते हैं उनको मैं पानी भी नहीं पिला पाता, क्योंकि हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है। पिछली बार 25 फरवरी की बात करता हूं, जब विधानसभा गिराव में हमने पानी तक की व्यवस्था नहीं कर पाए थे, दरिया तो बहुत दूर की बात है साथियों, लेकिन आप फिर भी लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, क्यों? वो इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारा मान सम्मान बना रहे। मैं धन्यवाद करता हूं आपके माता पिता को, जो जिंदा होने के लिए आपको ऐसा बेटा पैदा किया जो अपने आप को जिंदा होने का बार बार सबूत देता है। धन्यवाद करता हूं ऐसे माँ बाप का जिन्होंने ऐसे वीर योद्धा पैदा किए। मेरे साथियों, इसी के साथ मैं फिर कहना चाहता हूं, समय क्या है, अभी बहुत हमारे पास समय बच रहा है, बहुत समय है, जितनी ताकत है उतनी लगा दो, जितना जोश है उतना लगा दो, आप हर चीज पे, पूरी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह एक ही चीज मिलनी चाहिए कि 10 तारीख को हम जयपुर पहुंच कर रहे हैं, और वो जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के मान सम्मान के लिए। याद रखना, किसके लिए? खुद के मान सम्मान के लिए जा रहे हैं, खुद के अधिकारों के लिए जा रहे हैं, ये बात याद रखना। ना तो हमारे पास व्यवस्थाएं होंगी, ना और होगा, हो सकता है आपको यहां प्यासा भी रहना पड़े, हो सकता है आपको भूखे भी रहना पड़े, हो सकता है आपको धूप में बैठना पड़े, हमारे पास तो व्यवस्थाएं नहीं है साथियों, लेकिन अगर आप सब लोग पूरी ताकत लगाएंगे तो पूरी व्यवस्थाएं करेंगे, क्योंकि ना तो कोई एससी वाले लोग हमें सपोर्ट करेंगे और ना हम उनके पास जाएंगे, क्योंकि हम तो स्वाभिमानी लोग हैं। अरे हम रात दिन खेतों में अपना खून पसीना बहा देते हैं, तभी हम नहीं डरते, तभी भी हम पूरी दोपहर के अंदर बैठे रहते हैं, तो क्या धूप में नहीं बैठ सकते? हम बैठ सकते हैं। क्या हम सुबह से लेकर शाम तक प्यासे रहते हैं तो प्यासे नहीं रह सकते? अरे हम तो रह सकते हैं, हम तो छोटे से किसान के बेटे हैं, हर हाल में हर लड़ाई को जीतना जानते हैं। मैं इसी के साथ में फिर धन्यवाद करता हूं, और मेरे साथियों, मैं आज तय कहना चाहता हूं, सत्ता के लोगों को, बैठे हुए लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आपसे निवेदन है कि ये किसान कौम वापस आ रही है, इस किसान कौम का आप स्वागत करें, ना कि कहीं ना कहीं इसको नुकसान करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम तो अधिकार लेने आ रहे हैं, हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई है, इसलिए आप हमारा सम्मान कीजिए,
हमें हमारे हक और अधिकार देकर विदा कीजिए, ताकि हम भी बड़े भव्यता के साथ में आपके स्वागत के लिए आतुर रहें। आप भी जब हमारे क्षेत्र में आएंगे तो हम भी आपका स्वागत करेंगे। इसी के साथ साथियों, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारे प्यार देते हो उसके लिए धन्यवाद। 10 तारीख को मिलेंगे हल्ला बोल के साथ में, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जयपुर शहर के बीच में बैठेंगे और शहीद स्मारक की हमने परमिशन की लगा रखी है, परमिशन मिल जाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात विशेष ध्यान रखना, हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिप्रिय है, अहिंसात्मक है और गांधीवादी तरीके से है, इसलिए शांति से हमें बैठना है। वहां बैठकर सरकारें कितने दिन लगाती है, कितने दिन नहीं लगाती, वो तो भगवान जाने, लेकिन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करके जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय फूले। आप सभी का भाई बहुत 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 धन्यवाद, आभार। और मेरे भाइयों, मैं जाते जाते एक बात तो रखूंगा, बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे धार्मिक मैसेज चला रहे हैं, धार्मिक मैसेज हर बार ही चलाते हैं, लेकिन याद रखना वो लोग कौन है। वो लोग वही है जो कभी भी वो आंदोलन में नहीं आए, क्योंकि वो घर से बाहर कभी निकले ही नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं है, ना तो कभी उन्होंने सोशल मीडिया सपोर्ट किया, ना कभी वो घर से बाहर आकर आंदोलन में आए। हां, अगर वो आ भी गए हैं तो आंदोलन को बीच में छोड़कर भाग गए। वो लाठियों से डरते थे, मुकदमों से डरते थे, जेल से डरते थे, वो कायर थे इसलिए भाग गए। अरे हम तो शेर दिल के थे इसलिए दबंग तरीके से खड़े हैं यहां पे, इसलिए शेर बनो। ध्यान रखना, बकरे की बलि दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती है। इसलिए मैं आप तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, पूरे जोश और जुनून के साथ डटे रहिए, पूरे होश के साथ डटे रहिए, हमें सब कुछ मिलेगा, समय लग सकता है लेकिन जीत हमारी निश्चित है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय फूले। तमाम साथियों से फिर मिलते हैं जल्दी, और 6 तारीख की मीटिंग के बाद में फिर एक बार मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम कर सकते हैं, बेहतरीन क्या करेंगे। और मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि यह सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसी के माध्यम से आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक सारी रणनीतियां पहुंचती रहे और आंदोलन को नई दिशा और दशा प्रदान होती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और जय फूले।